चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर भारत पे कार्ड। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कार्ड इज लॉक्ड, अभी कार्ड आपका जो है लॉक्ड है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देख सकते हो गेट कार्ड नाउ का ऑप्शन शो करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपली क्या करना है, गेट कार्ड नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों भारत पे में यहाँ पे आपको हर किसी को क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप एलिजिबल हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए। यानी कि दोस्तों कुछ समय पहले मैंने बताया था कि कैसे आप भारत पे के अंदर अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और कैसे आपको अप्लाई कर लेना है। लेकिन वहां पे हुआ था क्या कि कुछ लोगों का वहां पे रिएक्शन आ रहा था, लेकिन हो रहा है कि वो अभी स्टार्टिंग पीरियड में था और साथ में दोस्तों वहां पे अभी कम लोगों को क्रेडिट कार्ड है दोस्तों जो प्रोवाइड करा रहे। रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे हर किसी को क्रेडिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप विलेज में हो या फिर से सिटी में हो, इजिली आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको कुछ गलतियां नहीं करना है जिसके वजह से यहाँ पे रिजेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा गलती है जो कि आपको नहीं करना है जिसके वजह से आपका एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार केवाईसी करना है, सिंपली लाइव केवाईसी करके इजिली आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों डिलीवर करा सकते हो अपने घर के पते पे। यानी कि जो भी आपके आधार पे एड्रेस होगा उस एड्रेस पे विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो कार्ड होगा भारत पे का क्रेडिट कार्ड वो डिलीवर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, अब क्या मिस्टेक करते हैं वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा तो पता चलेगा, और मिस्टेक आपने कर दिया है पहले ही उसका क्या सोल्यूशन है वो भी चीज मैं बताया हूँ वीडियोस के। तो दोस्तों वीडियोस पे बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले करना क्या है, बैंकिंग का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा। भारत पे अकाउंट पे होगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके सामने शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि फ्री क्रेडिट अप टू 30 डेज का मिलेगा, लेकिन जो कि 0 इंटरेस्ट लगेगा कोई भी ऐसे यूज करते हो तो। यूज भारत पे बैलेंस जो है साथ में 1% का आपको कैशबैक मिलेगा। इजी डेबिट एंड क्रेडिट स्विच। अब सिंपली दोस्तों ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। किसी भी कार्ड को आप अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है उसमें आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पे करना ही पड़ेगा। सिविल के बेसिस पे ही आपको जो है दोस्तों जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है, अगर 650 सिविल पे अप्रूवल प्रोसेस होगा तो 650 सिविल अगर आपका होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाएगा। 700 पे होगा तो 700 दिखाएगा, जो भी होगा यहाँ पे आपका शो करना स्टार्ट कर देगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अपने पेन नंबर को डालना है, उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे जहाँ पे भी अभी हो, और साथ में यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर भारत पे कार्ड। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कार्ड इज लॉक्ड, अभी कार्ड आपका जो है लॉक्ड है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देख सकते हो गेट कार्ड नाउ का ऑप्शन शो करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपली क्या करना है, गेट कार्ड नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन को जो है केवाईसी के माध्यम से आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, केवाईसी से कैसे आपके अप्रूव कराना है, ठीक है। सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे कोड जो है दोस्तों यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पे डालेंगे, साथ में आपको प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी होगा यानी कि आधार कार्ड के अंदर, उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पे अलाउ पूछेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोस्तों अपना जो भारत पे का जो कार्ड के लिए जो है आधार से आपका केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका जो भी आधार कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। अब फिनिश आधार केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कार्ड यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से हम अपने कार्ड के लिए जो है एप्लीकेशन को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो कंप्लीट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब थोड़ा समय आपको वेट कर लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ सामने कुछ इस तरीके से कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सारा अकाउंट जो है वेरीफाइड है, जो आपने पहले डिटेल्स डाला होगा। अभी तक आपने अकाउंट को क्रिएट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता रहा हूँ, फिर से आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके पहले वाले वीडियोस देखिए, उसके बाद से दोस्तों इस वीडियोस को देखिएगा कैसे अप्लाई कर लेना है। सिंपली स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब सब थोड़ा समय आपको वेट कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे यूज भारत पे बैलेंस एनी टाइम, डोमेस्टिक यूज ओनली, इंटरनेशनल यूज नहीं कर सकते हो, 1% का कैशबैक मिलेगा। साथ में आपको अगर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो तो 1000 तक आपको पर मंथ का कैशबैक मिलने वाला है। सिंपली एक्सेप्ट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, अगर नहीं होता मैनुअली यहाँ पे डाल लेंगे। सिंपली वेरीफाई का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन फेल्ड हो चुका है। अब रीजन ये था कि जो मैंने अभी के टाइम में जो लाइव फोटो मेरे को लेना था वो नहीं लिया था मैंने, पहले ही वाला मैंने उस पर अपलोड कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे फेल हो चुका है। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली अगर उसमें फोटो आपका शो हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो बैंक वेरिफिकेशन फेल हुआ है, एप्लीकेशन जो सबमिट हो चुका था, ठीक है। और जो बैंक जो है हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि यूज फोटो इज नॉट लाइव, यानी कि पहले का ही फोटो था, अभी के फोटो वो नहीं है। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद इंस्टेंटली हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो कार्ड होगा विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपके घर के पते पे आ जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाता है, ठीक है। तो अब दोस्तों करना क्या है,
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी गलती किए होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आधा वीडियोस देखते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये तो गलती हो ही गया होगा आपसे भी। अगर जिन लोगों से हो गया है, पहले ही उन्होंने अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो गया ड्यू टू यहाँ पे लाइव फोटो के लिए, तो सिंपली दोस्तों गो टू होम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको फिक्स करने के लिए यहाँ थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, माई अकाउंट्स का ऑप्शन है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेट कर लेना है, नीचे में आएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा केवाईसी के नीचे, यहाँ पे सेल्फी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अपना एक सेल्फी जो है दोस्तों यहाँ से ऑनलाइन वेरीफाई कराना है, जो कि लाइव फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि अगर इससे आप वेरीफाई करते हो तो चांसेस होता है यहाँ पे आपका जो इशू है यहाँ पे रिसॉल्व होने का, तो सिंपली यहाँ पे टेक ए सेल्फी का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे सेल्फी के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना सेल्फी एक ले लेना है नया वाला। दोस्तों सेल्फी अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो आपका लेटेस्ट वाला जो दोस्तों सेल्फी है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब फ्रेंड आपका होगा क्या कि जो भी आपका रिएक्शन जो दिखा रहा है, जो इशू दिखा रहा है कि भाई आपका लाइव फोटो नहीं लिया गया था, वो दोस्तों होगा कि विद इन वन वीक के अंदर अंदर होगा क्या कि जो लाइव फोटो जो है दोस्तों वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आपका कार्ड है यानी कि भारत पे का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके घर के एड्रेस पे यानी जो भी आपका आधार कार्ड के एड्रेस है उस पते पे आपका कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये उसका न्यू प्रोसेस है अप्लाई करने का। और दोस्तों अभी के टाइम में भारत पे का जो क्रेडिट कार्ड है वो 600 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो इजिली यहाँ पे चांसेस हो जा रहा है आपको यहाँ पे मिलने का। तो इस तरीके से दोस्तों न्यू वे से आपको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।